हे गाइस, तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ स्ट्रीट स्टाइल खीरा चाट। ये बहुत ज़्यादा डिलिशियस बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मैं ना स्ट्रीट फूड की ना बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं कि रेसिपी कैसे बनती है। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक खीरा। खीरा को मैंने बहुत अच्छे से काट लिया है। अब मैं इसे मिडिल से कट कर लूँगी और इसका जो मिडिल पोर्शन है ना वो निकाल लूँगी दोनों साइड का। हम दूसरे वाले पार्ट के साथ भी सेम प्रोसेस करेंगे। अब मैंने खीरे का मिडिल पोर्शन निकाल लिया है। अब मैं इसमें लगा रही हूँ नमक और लाल मिर्च। इसे मैंने बहुत अच्छे से लगा लिया है मिडिल पोर्शन में। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, इसको मैं फिल कर दूंगी इसके मिडिल पोर्शन को नमकीन से। आप कोई सी भी नमकीन ले सकते हैं, मैं नॉर्मल नमकीन लिए जो मतलब घर पे मेरे अवेलेबल थी, आप कोई सी भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें कर दूंगी लेमन ऐड। आपको जितना लेमन ऐड करना अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा खट्टा पसंद है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटो। अब मैं इसमें टमाटो लगा दूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भुजिया। मैंने लिए हल्दीराम की भुजिया और मैं इसे बहुत सारा इसके ऊपर रख दूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया। अब मैंने धनिया ऐड कर दिया है। अब मैं क्या काम करूँगी, मैं इन दोनों पार्ट्स को मिला दूंगी और थोड़ा सा इन्हें मैं टाइट कर दूंगी और अब मैं इन्हें कट कर दूंगी। मैं इसको 4 पार्ट्स में कट कर दूंगी। अब मैंने इन्हें 4 पार्ट में कट कर लिया। अब मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। मैंने इसके ऊपर डाला है आलू की भुजिया और मैं अब डाल रही हूँ धनिया और अब मैं इसमें नींबू ऐड कर रही हूँ। हमारा डिलीशियस कुंवर चाट बिल्कुल रेडी। आप इसे सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करें तो मेरे साथ अपने रिजल्ट ज़रूर शेयर करें। ओके, बाय।